इंसान का जीवन और एहसास, खुशियां, दुख और सुख सब इंसान के कर्मों का फल होता है। लेकिन इस बात को हम नकार नहीं सकते कि जीवन की कठिनाइयों, मुश्किलों और सफलता प्रसन्नता के पीछे कुछ न कुछ हमारे ग्रहों और नक्षत्रों का योग होता है। क्या होता है वास्तु का विज्ञान और क्या होता है हवन का और वास्तु का संबंध, आज हम चर्चा करेंगे के न्यूज की इस विशेष प्रस्तुति एस्ट्रो महाशी में। हमारे साथ हैं विश्व विख्यात एस्ट्रोलॉजर और वास्तुशास्त्री अरुण महर्षि जी। आज हम उनसे चर्चा करेंगे वास्तुशास्त्र के बारे में और जानेंगे कुछ ऐसे उपायों के बारे में जो आप खुद आजमा सकते हैं और अपने घर और व्यवसाय की जो जगह है वहां पर भी वास्तु दोषों से उसे मुक्त करने के लिए किस तरह से इनका उपयोग करें, जानेंगे अरुण महर्षि जी से। सबसे पहले तो अरुण महर्षि जी, आपका के न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नक्षत्रों की बात हम अपने सब एपिसोड्स में करते हैं, आप नक्षत्रों के बारे में बताते हैं। महर्षि, आज हम आपसे जानेंगे वास्तु के बारे में, वास्तु दोष क्या होता है, हमारे दर्शकों को बताएं। आज मैं आपसे चर्चा करूंगा वास्तु के बारे में। मैं अपने पहले एपिसोड में आपको वास्तु क्या है ये बता चुका हूं। दर्शकों, वैदिक समय से ही वास्तुशास्त्र का अलग अलग शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। वास्तुशास्त्र पंचतत्व, स्पेस, अर्थ, फायर, मेटल एंड वाटर, इन पंचतत्व से मिलकर के तथा चारों दिशाओं पर आधारित ये साइंस है, विज्ञान है। कोई भी इमारत, चाहे वो रिहायशी हो या कॉमर्शियल हो, अगर वास्तु नियमों पर आधारित नहीं है तो व्यक्ति को कभी न कभी कोई न कोई किसी न किसी परेशानी का सामना जरूर करना पड़ता है। साइंस के हिसाब से, साइंटिफिक वे के हिसाब से इस वास्तुशास्त्र का अध्ययन भी किया गया, उसमें भी इसकी प्रामाणिकता सिद्ध हुई। जैसे अपनी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव 23.5 डिग्री एक तरफ झुका हुआ है, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी के ऊपरी हिस्से की दिशा उत्तर पूर्व की और निचले हिस्से की दिशा दक्षिण पश्चिम है जी। उत्तर पूर्व से आने वाली ऊर्जा पॉजिटिव होती है तथा दक्षिण पश्चिम से आने वाली ऊर्जा नेगेटिव होती है। ये क्यों होती है, कैसे होती है, इसका मैं उल्लेख आपको अभी आगे करने वाला हूं जी। यदि भवन निर्माण के समय सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी का अनुपात नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिव एनर्जी का अनुपात ज्यादा हो, इसको बैलेंस करने की जरूरत होती है। एक घर में, एक व्यवसाय में पॉजिटिव एनर्जी का अनुपात ज्यादा होना चाहिए, नेगेटिव एनर्जी का अनुपात कम होना चाहिए, तभी वो बैलेंस हो पाता है। सकारात्मक ऊर्जा के पॉजिटिव एनर्जी के उत्पाद को, अनुपात को बढ़ाए रखने के लिए पूर्व, उत्तर पूर्व, उत्तर दिशा में भवन की ऊंचाई को कम रखना चाहिए, लो हाइट्स में इसको बनाना चाहिए एवं खुला स्थान इसका ज्यादा रखना चाहिए, चाहे वो घर हो, चाहे वो फैक्ट्री हो, मंदिर हो, कुछ भी हो। दक्षिण तथा पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम में भवन की ऊंचाई, फैक्ट्री की ऊंचाई का फर्श नहीं होना चाहिए। इस कोण में यदि कोई बेडरूम है तो उसमें रहने व सोने वाले व्यक्ति को हमेशा धन संबंधी दिक्कत व स्वास्थ्य की समस्याएं होती हैं एवं अनेक प्रकार के उनको कष्ट झेलने पड़ते हैं। इसलिए जिनका भी बेडरूम इस कोने में है वह हमेशा समस्या से ग्रस्त रहता है। आप उस दोष को हमारे एनर्जाइज पिरामिड के द्वारा 5 पिरामिड लगाकर, एक ईस्ट में, एक वेस्ट में, एक नॉर्थ में, एक साउथ में और एक सेंटर की छत पर लगाकर आप इस दोष को, इस दोष के प्रभाव को कम कर सकते हैं। इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, आपके घर का नक्शा हमारी ईमेल आईडी पर भेज के आप हमसे राय ले सकते हैं। दूसरा भाग है दक्षिण भाग। यह भाग हमेशा ऊंचा रखना चाहिए, फर्श का लेवल सबसे ऊंचा रखना चाहिए। इस भाग में भी पानी, नल, वाटर टैंक नहीं होना चाहिए। यदि किसी के घर के दक्षिण भाग में अंडरग्राउंड वाटर टैंक है तो उसके एक्सीडेंट्स, कैंसर की बीमारियां, घर में ऑपरेशन होते रहना, ये सब होता रहेगा। किसी के है तो उसको बंद करा करके इसको नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ या ईस्ट के कोने में ले जाएं।
घर के दक्षिण भाग में कभी भी नाली घर के बाहर नहीं निकालनी चाहिए। दक्षिण अब आएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम का कोना जिसको नैऋत्य कोण कहते हैं, इस कोने को ऊंचा रखना चाहिए। इस कोण में कभी भी रसोई नहीं होनी चाहिए। यदि इस कोने में रसोई होगी, इस कोण के अंदर रसोई होगी, तो उस घर की स्त्री तो हमेशा अस्वस्थता महसूस करेगी एवं उसके पति को हमेशा व्यापार में घाटा या हानि होती रहेगी। ऐसे होने पर व्यक्ति धन संबंधी परेशानी, दुर्घटना, बीमारियां, घर में क्लेश बने रहेंगे, बच्चों की शादी में रुकावट आएगी, शादी में बहुत परेशानी हो सकती है, इवन डाइवोर्स के केसेस भी देखे गए हैं। इसके समाधान के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको बता रहा हूं, हमारी संस्था से आप एनर्जाइज पिरामिड लगाकर इस दोष से कुछ हद तक बच सकते हैं। आपकी कोई समस्या है तो आप हमारी ईमेल आईडी पर आपके घर का नक्शा भेजकर हमसे राय ले सकते हैं। निःशुल्क राय देंगे, आपको अच्छी राय देंगे। चौथा आता है पश्चिम भाग। पश्चिम भाग दक्षिण पश्चिम में सबसे ऊंचा और पूर्व उत्तर तक ज्यादा ढलानदार बनाना चाहिए। पश्चिम दिशा में गोल या चौकोर कमरे नहीं बनाने चाहिए। दरवाजा या खिड़की पश्चिम के दक्षिण भाग या आधे से ज्यादा दक्षिण पश्चिम में नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट आता है उत्तर पश्चिम का कोना जिसको हम वायव्य कोण कहते हैं। इसे हमेशा दक्षिण भाग से नीचा और खाली रखना चाहिए। रसोई यदि किसी कारण से आप साउथ ईस्ट में नहीं बना पाए तो नॉर्थ वेस्ट में भी बना सकते हैं, लेकिन खाना बनाने वाले का मुंह हमेशा पूर्व की तरफ होना चाहिए। नेक्स्ट आता है उत्तर भाग। यह भाग पूरा उत्तर पूर्व तक खुला व नीचा रखना चाहिए। पूर्व की ओर ढलान देते हुए फर्श का लेवल नीचा होना चाहिए। इस भाग के आधे उत्तर में उत्तर पूर्व की ओर ढलान देते हुए अंडरग्राउंड वाटर टैंक और बेसमेंट बना सकते हैं। इस तरफ से आप अपने घर की नाली को निकाल सकते हैं। इस दिशा में आप अपना अध्ययन कक्ष बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है उत्तर पूर्व का कोना जिसको ईशान कोण कहते हैं। यह 100% पानी का कोना है, भगवान का कॉर्नर है। यहां पर हमेशा मंदिर या अंडरग्राउंड वाटर टैंक बना सकते हैं। यहां भूलकर भी रसोई ना बनाएं। यदि किसी की रसोई नॉर्थ ईस्ट के कोने में है तो उसको ग्रह क्लेशों से तकलीफें आती होंगी। इस दोष को कम करने के लिए आप हमारे पिरामिड से इसको एनर्जाइज कर सकते हैं, वहां पॉजिटिव एनर्जी पैदा कर सकते हैं। इस कोने में कभी भी जनरेटर गीजर नहीं लगाना चाहिए। यदि जनरेटर है हटा करके इसको अग्नि कोण में ले जाएं। ये कोना हमेशा ज्यादा खाली व नीचा होना चाहिए। ये कोना कटा फटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इस कोने में छत फर्श की ढलान होनी चाहिए। ईशान कोण में छोटा सा फव्वारा भाग्य को नई ऊंचाइयां प्रदान करता है। दक्षिण दिशा में हमेशा लाल या नारंगी रंग का उपयोग करें। इस दिशा में यदि ब्लैक और ब्लू कलर होगा तो तकलीफदायक होगा। उत्तर दिशा में हमेशा काला व नीला रंग यूज करें। पूर्व दिशा में हरा, लाइट ग्रीन और भूरा और क्रीम ये कलर यूज करें। पश्चिम दिशा में दक्षिण जिस दिशा में होते हैं उसे पूर्व दिशा कहते हैं। सूर्य के अस्त होने की दिशा को पश्चिम दिशा कहते हैं। यदि प्रातःकाल सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं तो दाएं हाथ की तरफ दक्षिण और बाएं हाथ की तरफ उत्तर दिशा होती है। किन्हीं दोनों दिशाओं के मेल को वास्तु शास्त्र में कोण कहते हैं। इसी प्रकार कोण चार हैं। पूर्व और दक्षिण का कोना उसको आग्नेय कोण कहते हैं। दक्षिण और पश्चिम के कोण को नैऋत्य कोण कहते हैं। पश्चिम और उत्तर के कोण को वायव्य कोण कहते हैं और उत्तर और पूर्व के कोण को ईशान कोण कहते हैं। कोणों का महत्व दिशाओं से भी अधिक होता है। क्यों? वास्तु शास्त्र के अनुसार कोण किन्हीं दो दिशाओं की संधि से बने हैं। इस कारण से शुभ तथा अशुभ प्रभावों का परिणाम भी दोहरा होता है। इसलिए जिस भूमि पर भवन निर्माण करना हो, इसलिए ध्यान रखें उसका कोई भी कोण कटा फटा बढ़ा हुआ या घटा हुआ नहीं होना चाहिए। कटे फटे बड़े घटे से मेरा मतलब है यह कि यदि उसकी दोनों तरफ की लंबाई व चौड़ाई बराबर ना होकर कम या ज्यादा हो तो उसे कटा फटा या घटा बड़ा कह सकते हैं।
सभी कोण समकोण होने चाहिए, 90 डिग्री। किस दिशा के किस भाग में घर का कौन सा हिस्सा होना चाहिए, आज मैं आपको बताऊंगा कि किस दिशा में क्या क्या होना चाहिए, वे इनका प्रभावशाली रंग कौन सा होता है। पूर्वी भाग में ज्यादा खुला वे इसको नीचे रखना चाहिए, जिसका रंग पूर्व के स्थान का रंग हरा या भूरा होना चाहिए। पूर्व की ओर से नाली का पानी निकलना शुभ होता है, यहां से पानी का सिर्फ निकास होना चाहिए, बाकी कहीं और से भी निकास नहीं होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन हो सकता है उत्तर पश्चिम का कोना, लेकिन पूर्व दिशा से यदि किसी घर का पानी, किसी फैक्ट्री का पानी यदि निकलता है तो उसको कभी कोई परेशानी नहीं आती। यदि पानी का निकास दक्षिण दिशा में है तो उसके घर की बरकत कभी नहीं हो सकती, चाहे वो 1 करोड़ रुपया कमा ले या 10 करोड़ रुपये कमा ले। पूर्व दिशा की ओर से बरामदा झुका हुआ और ढलानदार बनाना बहुत ही अच्छा रहता है जी। पूर्व दिशा की दीवार, उत्तर दिशा की दीवार, ये दोनों दीवारें पश्चिम दिशा और साउथ की दिशा से नीची व पतली होनी चाहिए। पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा के उत्तरी भाग में नल, कुआ, अंडरग्राउंड वाटर टैंक ये बनाने चाहिए। ये मैं आपको जनरल पूर्व दिशा और उत्तर पूर्व के बीच का आपको बताया जी। तो ये चीजें रहती हैं जिनका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। महर्षि जी, आजकल का जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत बदल गया है। आमतौर पर हम देखते हैं घरों में रहते हैं या फिर काम करते हैं, ऐसा प्रोफेशन होता है, हम लोग कई बार इग्नोर कर देते देखते हैं कोण, जिस तरह से आप बता रहे हैं जो दिशाएं होती हैं, सपोज अगर उन चीजों पर निर्माण ना हो पाए घरों का, तो क्या कोई और भी उपाय हैं जिनको आजमाया जा सकता है और वास्तु दोषों को दूर कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए,